अस्सलाम वालेकुम, मेडिजोन में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको क्या बनाना सिखाऊंगा, आपको वीडियो देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज तो मैं फ्राइज़ बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आलू को अच्छी तरह से वाश कर लें। वाश करने के बाद आपने इसको छील लेना है और छीलने के बाद कटिंग करनी है। कटिंग हमने हाथ से करनी है, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से कटिंग करूंगा क्योंकि मैं जब भी फ्राइज़ बनाता हूं तो हाथ से कटिंग करता हूं। तो एक और बात मैं बताऊंगा, जब भी मैं फ्राइज़ बनाता हूं तो मुझे अपने दोस्त जो हैं वो बहुत याद आते हैं, तो ये मैं ख़ास तौर पे वीडियो जो है अपने दोस्तों को डेडिकेट करूंगा जो मेरे साथ मिल के फ्राइज़ खाया करते थे। उनमें कॉलेज फ्रेंड भी आते हैं और स्कूल फ्रेंड भी आते हैं। जब स्कूल लाइफ थी तब मैं अपने स्कूल के दोस्तों को घर में इनवाइट करके उनके साथ ये फ्राइज़ बना के उनको खिलाया करता था। वो आज भी फ्राइज़ को याद करते हैं कि माँ के हाथ के फ्राइज़ जो हैं बहुत मज़े के। और कॉलेज के फ्रेंड में सबसे नंबर वन पे जो है वो ईशान छानी आता है। वो जब मैं फ्राइज़ बना रहा होता था किचन में तो उसको मैंने अपने साथ किचन में बुला लेना। सबसे पहले तो हमने एक प्राका जब हमने निकाल लेना तो वो तो हमने किचन में बैठ के खा लेना हम दोनों ने। तो बाकी जो फ्राइज़ बनते थे वो हमने दोस्तों के साथ मिल के बैठ के खा लेते थे। ये हमने कटिंग भी कर ली, इनको दोबारा से वाश कर लें। वाश करने के बाद इसमें हम हसबे जायका नमक डाल देंगे। इसमें हम दो चम्मच हम जो है नमक डाल दिए। इसके बाद मिर्च पाउडर है, पाउडर ना मिले तो दादर मिर्च भी आप डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और इसमें हम थोड़ा सा बेसन भी शामिल कर लेंगे। बेसन इतना डालना कि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो खूबसूरत लगें पकने के बाद। अभी देख लें, अगर आपको बेसन कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया। अब देखते हैं इसको मिक्स करके। मिक्स करने के बाद हम ऑयल को हमने चूल्हे पे पहले से रख दिया, जब गर्म हो जाएगा तो हम उसको इसमें फ्राइज को उसके अंदर डाल देंगे। ये ध्यान रहे कि आपने जो ऑयल है वो सही गर्म करके उसमें फिर फ्राइज़ को डालना है। इनको एक जैसा करके तो 5 से 7 मिनट में आपके ये फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। आप इसको चाहें तो इसके ऊपर आप ढक्कन भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से तैयार हो जाएं। देखिए हमने 5-7 मिनट में ये जो है फ्राइज़ जो है रेडी हो गए। अब हम दूसरी दफ़ा इनको फ्राई करेंगे जो बाकी रह गए हैं। देखने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मज़े के होंगे, और खाने में तो बहुत ही मज़े के होते हैं। वो आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अभी ये दूसरा फ्राग है, इसको भी हम ऑयल में डाल के थोड़ी देर हम इसको रखेंगे। इसको चम्मच के ज़रिए इसको हम एक जैसा कर लेंगे ताकि ऑयल में जो डिप हो जाए। इनको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम इनको मज़े से खाएंगे। देखिए इसको हमने एक जैसा कर लिया ताकि कोई भी फ्राइज़ जो है कच्चा ना रह जाए। इसको थोड़ी देर हम डांप देंगे, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारे फ्राइज़ जो हैं वो उनका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए हमने लाइट ब्राउन से इनको करके या थोड़े से ब्राउन करके हम इसको उतार लेंगे। अभी हम इंतज़ार करते हैं इनके पकने का।
थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनको हिलाते रहेंगे ताकि एक जगह से नीचे गर्म होके लग न जाए। इनको हिलाते रहेंगे ताकि ये सारे जो हैं एक जैसे पक जाएं। ये अब तैयार हो गए, अब इनको भी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखें आप इनकी लुक कैसी आई है। देखने के बाद ज़रूर बताइएगा फ्राइज कैसे लगे आपको देखने में, और खाने में तो हमें बहुत ही मज़े के लगे। इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इसके साथ ठंडी वाली बोतल होगी। ये साथ में इसके केचप और ठंडी कोक की बोतल, मज़े। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।